तो गाइस अगर आपने अभी तक करेक्टर नहीं लिया और आप सोच रहे हो कि यार कौन सा करेक्टर लूं, तो मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। यार गाइस मैं बताऊंगा आपके गेम प्ले के हिसाब से कि कौन सा करेक्टर आपको सबसे ज़्यादा शूट करेगा। जी हाँ गाइस, तो यार ऐसा होता है ना, गेम प्ले के हिसाब से अपना करेक्टर यहाँ पर हमेशा क्लेम करना चाहिए। अगर फ्री में मिल रहा है तो तो भी यहाँ पर आपको अपने हिसाब से करेक्टर लेना चाहिए। ये नहीं कि यार आपके दोस्त ने आलोक लिया या आपके दोस्त ने स्काइलर लिया तो आपने भी स्काइलर ले लिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका जैसा गेम प्ले हो, जिस हिसाब का गेम प्ले हो, तो गेम प्ले अरे कहना क्या चाहते हो, रिटर्न में मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप रैंक पुश करते हैं, रश गेम प्ले खेलते हैं या फिर आपका जो गेम प्ले है वो अधिक से अधिक कस्टम में रहते हैं आप, तो यहाँ पर किस आपके करेक्टर आपको सूट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कस्टम, तो अगर आप कस्टम ज़्यादा प्ले करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर स्काइलर करेक्टर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। तो अगर आप कस्टम में अगर क्योंकि स्काइलर जो है वो कस्टम किंग है, तो यहाँ पर जो क्रोनो करेक्टर है, ये करेक्टर मुझे कोई खास नहीं लगा क्योंकि यार इस करेक्टर की जो एबिलिटी है थोड़ी सी बेकार कर दी गई, ये तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो ठीक ठाक नहीं लगा। और आलोक करेक्टर, ये गाइज आलोक करेक्टर तो बेस्ट है, बट गाइज ये थोड़ा सा हर बंदे के पास करेक्टर ये अधिकतर रहता है। अगर आपके पास नहीं है और आप इस करेक्टर को लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बट मैं इससे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट करूँगा यहाँ पर के करेक्टर को, क्योंकि जो के करेक्टर है गाइज वो आपको रैंक पुश करने में काफ़ी मदद करता है। क्योंकि जब भी आप रैंक पुश करते हैं और आप जाते हैं कहीं पे, मतलब जोन में जाते हैं या जोन में रुकते हैं, तो ये आपकी जो ईपी है उसको एचपी में कन्वर्ट कर देता है, तो काफ़ी कमाल का करेक्टर है। तो अगर आप ज़्यादा ही रैंक पुश कर रहे हैं तो आप इस करेक्टर को, के करेक्टर को ले सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके हिसाब से। एंड अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट करेक्टर की, तो चलिए हम नेक्स्ट करेक्टर की ओर चलते हैं। तो गाइस यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहले अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। पहली बार आया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई, ताकि आपको इसी प्रकार से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यार गाइस मैं देखता हूं कि 95% लोगों ने यहां पर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो गाइस यहाँ पर जो करेक्टर, ये रिक्यूटा करेक्टर था, वो कोई बेस्ट करेक्टर नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा बिल्कुल भी रिक्यूटा करेक्टर को लेने के लिए। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा अगर आप क्लोज फाइट लेते हैं, अगर आप रश गेम प्ले अगर आपका है, तो यहाँ पर आप जो बुकॉन्ग करेक्टर है इसको ले सकते हैं। यार बुकॉन्ग करेक्टर जो है यार मैं देखता हूँ कि जब भी दो तीन प्लेयर होते हैं तो आप वापस बुकॉन्ग बन बन के करेक्टर को मार सकते हो, काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप क्लोज फाइट लेते हैं। अगर आपकी जो फाइट होती है एक से तीन बंदों की होती है, तो अगर आप, तो ये करेक्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा भूकंप करेक्टर अगर आपका रश गेम प्ले। एंड हम बात करते हैं अपनी वन ऑफ द बेस्ट करेक्टर की जो आपको लेना ही चाहिए। तो गाइस अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। कभी भी आप सोलो खेलते हैं, जैसे कि आप अपने स्क्वाड से अलग उतरते हैं, तो यहाँ पर आप दी मैत्री करेक्टर को ले लीजिए, काफ़ी बढ़िया करेक्टर है, मस्त करेक्टर। इसकी एबिलिटी गाइस ये है कि अपने आप को भी रिवाइव खुद से कर लेता है। और गाइस अगर जैसे क्या होता है कि अगर आप कहीं भी खेल रहे हैं, आप अपने स्क्वाड से अलग उतरे हैं, आप नॉक हो गए, तो ये अपने आप को रिवाइव कर लेगा और आपके जो टीममेट्स हैं अगर इसकी रेंज में है तो ये उनको भी रिवाइव कर देगा। तो काफ़ी बेस्ट करेक्टर है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो दिमित्री करेक्टर को मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा, ले लीजिए अगर आपके पास ये सारे करेक्टर हैं। वरना मैंने तो आपको बताया है कि आपके गेम प्ले के हिसाब से कौन सा करेक्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बस गाइस वीडियो में इतना था, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन